बस चालक सत्येंद्र सिंह चंदेल के द्वारा 19 जून 2022 को बस चलाते समय मोहनिया घाटी पर अचानक से बस की स्टीयरिंग फेल हो गई थी। बस में लगभग 50 सवारियां बैठी थीं। बस चालक सत्येंद्र सिंह चंदेल के द्वारा अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए स्वयं की जान की परवाह किए बगैर बस को नियंत्रण में लिया और बस को खाई में पलटने से रोका, जिससे एक बड़ी सड़क दुर्घटना घटित होने से बच गई एवं यात्रियों की जान भी सुरक्षित रही। उनके इस कार्य के लिए रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक जिला रीवा नवनीत भसीन के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आपको पता है कल जैसे मोहनिया घाटी में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उसका स्टीयरिंग फेल हो गया था और घाटी में वो गिर सकती थी, लेकिन ड्राइवर ने बहुत ही अपनी क्षमता का भी परिचय दिया और साहस का भी परिचय दिया। उसने आखिरी समय तक बस को छोड़ा नहीं और ब्रेक लगा के और किसी तरीके से बस को रोक लिया। अगर 2-3 फीट भी और ज़्यादा आगे बस चली जाती तो बस दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। सामान्यतया ऐसा देखने में आया है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए बस को छोड़ देते हैं और बस से कूद जाते हैं, उसके बाद बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कल इनके इस व्यवहार के कारण बस दुर्घटना होने से बच गई और 50 लोग जो उसमें भर्ती थे उनको उनकी जान भी बच गई और कोई खरोच नहीं आया। ये इसलिए हम लोगों ने आज इन्हें बुला के विशेष तौर पर सम्मानित किया है।